हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड प्रथम वर्ष संस्कृत भाषा शिक्षण में इकाई दो संस्कृत भाषा शिक्षण यानी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। मैंने शिक्षण विधियों के दो तीन वीडियो अपलोड किए हैं। यानी शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन विधि और आधुनिक विधि। प्राचीन विधियों में हमने पाठ्यपुस्तक विधि, भंडारकर विधि और व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ी, और अभिनव विधि में हमने 99 विधि पढ़ चुके। आज हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि यानी जो अपन को दिखता है और उसी का हम अनुकरण करते हैं। यानी जो चीज हमको दिखाई देती है उसी को वास्तविकता को देखते हुए हम उसकी नकल करते हैं या उसका अनुकरण करते हैं। यानी प्रत्यक्ष विधि को हम कई नामों से जानते हैं। इस विधि को नैसर्गिक विधि, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, मदर्स विधि कहते हैं, मदर्स मेथड भी कहते हैं, सुगम पद्धति, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि और नैसर्गिक विधि एक ही है, और निर्वाह विधि भी कहा जाता है। यानी अलग अलग नाम है इस विधि को, हम निर्वाह विधि भी कहते हैं, नैसर्गिक विधि भी कहते हैं, मदर्स विधि भी कहते हैं, और सुगम विधि भी कहा जाता है। यानी प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए बच्चों को सिखाना, यानी गाय जो चीज दिखाई दे रही है, जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, उन्हीं शब्दों जैसे मैं एक कि जैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है, तो अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। और संस्कृत को लगभग बहुत से लोग शिक्षक है जो संस्कृत को हिंदी को जोड़ते हुए पढ़ाते हैं, यानी संस्कृत का साथ हिंदी लेके चलते हैं। यानी अगर हम संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही सिखाए तो बच्चों को संस्कृत ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा वो उनको याद करेंगे। अब जैसे कोई भी निर्देश देने हो, कोई भी आदेश देना हो, तो संस्कृत में ही बोला जाए, संस्कृत में ही उसका उच्चारण किया जाए, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। यानी जो चीज मान लो ये दरवाजा है, तो दरवाजे को भी संस्कृत में बोला जाए, ये सांप लेखनी हो, तो इनको अगर संस्कृत में बोला जाएगा तो वो बच्चा उसी शब्दों का उच्चारण करेगा। इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा को संस्कृत में ही सिखाना, यानी अंग्रेजी को हम अंग्रेजी में भाषा में सिखाते हैं, उसी तरह से संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा में ही सिखाना चाहिए। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी इस विधि में व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता, बल्कि उसको शब्द का जो शब्द हिंदी में बोलते हैं वही के वही शब्द संस्कृत में बोलकर उसका एक प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है। जिसे अपन इतने बच्चों को भी कहा जाता है कि भाई ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, आप बाहर मत जाओ, यहाँ बैठो, चिल्लाओ मत, ये हम हिंदी में उनको एक निर्देश देते हैं। वैसे वैसे हमको संस्कृत में ही उनको निर्देश देना है, संस्कृत में ही उनका उच्चारण करवाना है। जब संस्कृत का माहौल बढ़ेगा, संस्कृत का एक वातावरण बढ़ेगा, तभी तो बच्चा संस्कृत सीख पाएगा, क्योंकि हम संस्कृत सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते। तो प्रत्यक्ष विधि में यही होता है कि सभी चीजें अगर संस्कृत को आप एक संस्कृत का वातावरण बनाना है, संस्कृत को आगे बढ़ाना है, भाषा को और आगे चलाना है, तो संस्कृत का उपयोग भी होना चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में सभी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष विधि में जैसे अगर कोई अब जैसे मान लो कोई हाथी के बारे में बताना है, तो हाथी का चित्र लाकर बताएंगे, चिड़िया के बारे में बताना, चिड़िया का चित्र। यानी प्रत्यक्ष यानी सभी सामग्री चीज लानी जरूरी है, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पाएगा। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाता है। यानी व्याकरण का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, यानी पहले उसको शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, शब्द से उसकी पहचान करी जाती है, उस वस्तु को शब्द से पहचान कराई जाती है, तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उस शब्दों से मिलता है, उस वस्तु से मिलता है, फिर इसके बाद में व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप में कराया जाता है। इस विधि में आगमन और निगमन विधि का काल में विधि जाती है। इस विधि में आगमन और निगमन विधि, कल मैंने बताया था कि आगमन विधि किसे कहा जाता है और निगमन विधि कहा जाता है। आगमन विधि यानी पहले उदाहरण बताया जाता है और नियम बाद में
और निपुण विधि में पहले नियम बनाए जाते हैं और उदाहरण उसके बाद में बनाए जाते हैं, यानी ये दोनों विधियां प्रत्येक स्थिति में काम में ली जाती है। इस स्थिति में मौखिक कार्य का बल यह है क्योंकि पूरा कार्य मौखिक कार्य पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जितने भी हमको निर्देश देने हैं, जितनी भी चीजें बोलनी है वो हम मौखिक रूप से बोलते हैं। यानी अगर संस्कृत का संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना है तो वो प्रत्येक स्थिति से ही कराया जा सकता है, यानी जो सब आते समय उदाहरण हो कि जैसे अत्रम श्याम अत्रम श्याम पाठक इदम लेखन लेखनी ये श्याम पाठ है लिखा जाता है, ठीक है इदम प्रणम सॉरी पुष्पम ये पुष्प है, इदम प्रणम ये पत्ती है, इस तरह से निर्देश और आदेश दिए जाते हैं कि उत्तिष्ठम तिष्ठ तम नाम के व इस तरह के जो संस्कृत जो बोली जाती है तो संस्कृत उनके मतलब जीवन शैली में एक रूटीन में आ जाती है, तो ही वो प्रत्येक स्थिति से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक स्थिति के गुण, यानी आपने प्रत्येक स्थिति जो पढ़ी है उसके क्या गुण है। अब पहला है नैसर्गिक विधि, इस विधि को नैसर्गिक विधि कहते हैं क्योंकि अरे बच्चा वातावरण में रहकर सीखता है, तो ये सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने माहौल में अपने प्राकृतिक वातावरण में रहकर सीखने की कोशिश करता है, यानी संस्कृत उसके चारों तरफ उसका माहौल बन जाता है। संस्कृत का सहायक हो यानी वो नैसर्गिक यानी वातावरण में रहकर संस्कृत को सीखने की कोशिश करता है, संस्कृत को सुनता है, संस्कृत में उच्चारण करता है, तो उसके लिए क्या है संस्कृत भाषा सीखने में आसानी हो जाती है। अब है शिक्षण सूत्रों पर आधारित, शिक्षण सूत्र है अपने पास कि सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, छोटे से बड़े की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये बाद में कठिन चीजें सिखाई जाती है, यानी ये मनोवैज्ञानिक और शिक्षण सूत्रों के आधारित शिक्षण विधि है। सुनने और बोलने के प्राप्त, यानी सुनने और बोलने का प्राप्त अवसर बोलता है, जबकि संस्कृत में पढ़ाया जाता है संस्कृत ही उनको सुनने का बोलने सुनने को मिलता है और संस्कृत में ही उच्चारण करने का उनको अवसर मिलता है। इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा जितना अधिक बालक संस्कृत का उपयोग करेगा उतना ही उसकी भाषा सुधार होता जाएगा, संस्कृत में उच्चारण करता रहेगा। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु या क्रिया पर आधारित, यानी जब हम प्रत्येक वस्तु देखते हैं और संस्कृत को संस्कृत भाषा सीखने के लिए खुद स्वयं क्रिया करता है तो उसको संस्कृत भाषा सीखने में आसानी होती है और वो आसानी से वो संस्कृत भाषा को सीख लेता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं और प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं। अनुवाद की मनाई, यानी इस शिक्षण विधि में बिल्कुल अनुवाद यानी संस्कृत को हिंदी में अनुवाद नहीं करना है, संस्कृत को बना तो अंग्रेजी में अनुवाद करना है, यानी अनुवाद की बिल्कुल नहीं है, अनुवाद को करना ही नहीं, संस्कृत को संस्कृत में ही ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में ही भावार्थ बताना है, संस्कृत में ही आपको सब निर्देश देने और प्रमाण आवश्यक देना है, यानी पूरा कार्य पूरा वातावरण संस्कृत में ही होना चाहिए। संस्कृत शिक्षण में संस्कृत का ही प्रयोग, यानी संस्कृत पाठ में केवल केवल संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आगमन निगम विधि का प्रयोग, इसमें आगमन और निगम विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसा देखा जाए कि शिक्षण विधियों में सबसे बेस्ट आगमन विधि मानी जाती है आगमन और निगम विधि, क्योंकि इस स्थिति से बच्चा बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करता है, तो प्रत्येक स्थिति में आगमन और निगम विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे प्रत्येक स्थिति के गुण है तो प्रत्येक स्थिति के दोष भी होते हैं, क्योंकि किस कोई भी वस्तु में कोई भी बात अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी अवश्य होती है। अब पहला है प्रत्येक स्थिति का एक प्रत्येक स्थिति एक पूर्ण विधि नहीं। अब सही बात है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए संस्कृत को हमको समझाने के लिए संस्कृत को पढ़ाने के लिए या संस्कृत को समझाने के लिए ये प्रत्येक स्थिति
की भी नहीं है। हम ये सोचे कि प्रत्यक्ष हिंदी से ही संस्कृत को हम पढ़ा सकते हैं, संस्कृत बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ये सोचना गलत है। छात्रों को वाचन व लेखन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है, क्योंकि इसमें केवल केवल मौखिक कार्य पर जोर दिया है, मौखिक कार्य पर बल दिया है, यानी वाचन पर और लेखन कार्य पर जोर नहीं दिया गया। इससे क्या होता है कि इस कार्य में, इन दोनों कार्य में बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो इन दोनों कार्य के लिए वो पर्याप्त अवसर नहीं। समय अधिक खर्च, इसमें प्रत्यक्ष विधि में समय ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि बच्चा ऐसा तो है नहीं कि उसके चारों तरफ संस्कृत का ही माहौल रहता है, केवल केवल कक्षा में ही इसका संस्कृत में माहौल रहता है। वो यहाँ तक कि क्लास से बाहर भी जाएगा तो हिंदी बोलेगा, घर में जाएगा तो हिंदी बोलेगा, समाज में जाएगा तो हिंदी बोलेगा, यानी इसमें समय बहुत खर्च होता है। यह विधि उच्च स्तर के लिए अनुकूल है, यानी अगर छोटे बच्चों का अगर आप समझाने पढ़ाओगे तो उसको समय ज्यादा खर्च होता है, लेकिन उसमें वहां पर उनका कोर्स कम होता है, तो आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। लेकिन बड़े स्तर पर संस्कृत अगर पढ़ानी हो तो उस समय आपकी विधि व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर बड़े बड़े विस्तारित रूप से बताना पड़ता है, बड़ा विस्तृत उनका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है। उस समय अपन ये छोटी सी विधि अपन प्रयोग में लेंगे तो उनका उपयोग नहीं हो पाएगा, पाठ्यक्रम को नहीं हो पाएगा। और संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं। अब संस्कृत भाषा मैंने बताया कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा पहले ही संस्कृत क्लास रूम छोड़ते ही कक्षा का कक्षा छोड़ते ही हिंदी बोलने लगते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा हम केवल कक्षा में ही प्रयोग करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षण करवाते हैं जिससे हमें वो संस्कृत सीख ही जाएगा। यह केवल बुद्धिमान बालकों के लिए ही है, ये केवल वही कर सकते हैं जो बुद्धिमान बालक होशियार बालक हो, वही बालक संस्कृत को सही तरह से उच्चारण कर सकते हैं। एक और है कि अच्छे शिक्षक की कमी, अच्छे संस्कृत शिक्षक की कमी। यानी ऐसे कई संस्कृत शिक्षक भी है जो सही रूप से शिक्षण नहीं पूर्ण नहीं करवा पाते, जिससे बच्चे संस्कृत को सही तरह से नहीं सीख पाते। तो यह है अपने स्थिति, जिसमें गुण है और दोष भी है। लेकिन आज के वर्तमान युग में कुछ शिक्षण विधियों में कुछ शिक्षण विधियां पूर्ण रूप से गलत नहीं होती है, उस विधियों में से कई बातें अच्छी होती है जो आज के वर्तमान युग में भी उपयोगी है। हम अगली विधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।